हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीमोज कुक हाउस। प्रीमोज कुक हाउस में सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एग करी, जो कि केरला स्टाइल एग करी है। वो भी हम उसमें मिर्ची पाउडर नहीं डालेंगे, बिना मिर्ची पाउडर के कोकोनट मिल्क यूज़ करके आज हम एग करी बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केरला स्टाइल एग करी या केरला स्टू बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए एक बार देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3 मीडियम साइज़ कांदा, मैंने चॉप करके रख लिया है। और मैंने यहाँ पर हम कोकोनट मिल्क से बनाएंगे, इसमें मिर्ची पाउडर नहीं ऐड करना है, हम ग्रीन चिल्ली यूज़ करके इस स्टू को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोकोनट मिल्क लिया है 1.5 कप। कोकोनट मिल्क कैसे बनाएगा, आप कोकोनट को ग्रेट कीजिए, मिक्सर में पीसिए, थोड़ा पानी डाल के और उसको अच्छे कपड़े में डाल के स्क्वीज़ करके आप उसका मिल्क निकाल सकते हैं। तो 1.5 कप कोकोनट मिल्क लिया है। टोमेटो लिया है मैंने 1.5, बारीक सा चॉप करके रख लिया है। 4 ग्रीन चिलीज़ लिया हुआ है, आप अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हो तो उस हिसाब से कम कर सकते हो। मैंने 3 से 4 गार्लिक लिया है, लहसुन और अदरक भी लिया है बारीक सा चॉप करके, और थोड़ा आधा इंच से ज़्यादा लिया है मैंने, उसको बारीक सा चॉप कर लिया है। 6 अंडा लिया है। कुकिंग के लिए कोकोनट ऑयल लिया है, कोकोनट ऑयल नहीं है तो सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हो। करी लीव्स लिया है। तड़का के लिए हम लेंगे मस्टर्ड सीड्स, राई लिया है और सूखी लाल मिर्च लिया है मैंने 2, उसको बारीक टुकड़े में कर दिया है। मसालों में हमें चाहिए, मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून भर के कोरिएंडर पाउडर लिया है, धनिया पाउडर, और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून से ज़्यादा ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, काला मेरी का पाउडर, और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर, और यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा लिया है, और स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर हम चिली पाउडर नहीं यूज़ करते हैं ये एग करी में, हम लोग ग्रीन चिली यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिया है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल आपके हिसाब से डालिए। तेल गर्म होने के बाद हम उसमें सूखी लाल मिर्च और मस्टर्ड सीड्स डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, हम उसमें राई डालेंगे। राई फूटने के बाद हम उसमें लाल मिर्च डालेंगे। अभी हम इसमें सूखी लाल मिर्च डालेंगे, जरा सा फ्राई करेंगे। अभी हम कांदा डाल देंगे। कड़ी पत्ता डालेंगे, थोड़ा कड़ी पत्ता हम बाद में लास्ट में डालने के लिए रखेंगे, थोड़ा अभी डाल देंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे। नमक भी डालेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारा कांदा जो है जल्दी से फ्राई हो जाए। अंडे को हमें ऐसा कट मारना है ताकि मसाला अंदर तक जाए, ऐसे सब अंडे को आपको करना है, तो ये मसाला जो है ग्रेवी अंदर जाके अपने एग को भी एक टेस्ट मिलेगा, तो ऐसे ज़रूर से कीजिए। कांदा थोड़ा सा भून रहा है तो उसमें हम अदरक लहसुन डाल देंगे चॉप किया हुआ, और ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे, और अच्छे से फ्राई करेंगे। कांदा जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है और अदरक और लहसुन का कच्चा स्मेल भी चला गया, तो हम अभी इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर डालेंगे और कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, और अच्छे से मसाला फ्राई होने तक मिक्स करेंगे। मसाले को जलाना नहीं है, बस वो रो स्मेल जाने के बाद हम उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें टमाटर डाल देंगे, 1/2 टमाटो अभी डालेंगे, 1/2 टमाटो कोकोनट मिल्क डालने के बाद ऊपर से डालेंगे। मैंने 1.5 टमाटो लिया था। टमाटो भी अपना अच्छे से स्मैश हो चुका है, फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम कोकोनट मिल्क डालेंगे। ये कोकोनट मिल्क में पानी डाला है मैंने, इसलिए इतना ज़्यादा है, पानी डाल के हमें कोकोनट मिल्क बनाना है। अभी इसमें बाकी का इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर, काला मेरी, और जो टमाटर हमने बाकी रखा हुआ था वो डाल देंगे ऊपर से, और एक
बॉईल आने देंगे। एक बॉईल आने के बाद हम उसमें अंडा भी डाल देंगे। अभी हमारा ग्रेवी जो है बॉईल होने स्टार्ट हुआ है, उसमें हम एग्स ऐड कर देंगे। अभी एक करी जो है अच्छे से बॉईल हो चुका है और ग्रेवी भी थोड़ा थिक हुआ है। इसे ज़्यादा देर बॉईल नहीं करना है क्योंकि हमने कोकोनट मिल्क डाला है, तो अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो अभी हम गैस ऑफ कर देते हैं। हमारा एग स्टू या एग करी जो है रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर एग करी जो है रेडी हो चुका है, एकदम टेस्टी है। चपाती या जो मैं आपको अप्पम का रेसिपी बताया है उसके साथ भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। थोड़ा वैरायटी है, हमेशा नॉर्मली हम मिर्ची पाउडर सब डाल के बनाते हैं, तो ये ज़रूर से आप ट्राई कीजिए। तो अगर आपको मेरे रेसिपीज़ अच्छे लगते हो तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।